हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम घर बैठे मोबाइल से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम गूगल पे जाना होगा हमें, तो गूगल पे हम जा रहे हैं। गूगल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमने सर्च करना है UIDAI करके सर्च है, ये कर दें। उसके बाद हमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ पे इसका लिंक दिया गया है UIDAI.gov.in पे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं गेट आधार। तो गेट आधार में आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर दें। अब नीचे देख रहे हैं आधार कार्ड नंबर, आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ आधार नंबर, तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। जो भी हमने आधार कार्ड डाउनलोड करना है वो नंबर हम इस पे डालेंगे। तो हमने आधार कार्ड नंबर अपना डाल लिया, और उसके बाद हम नीचे देखेंगे कैप्चा है, ये कैप्चा हमने यहाँ फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे देख रहे हैं सेंड OTP, यहाँ क्लिक कर दें। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, और हमने वो OTP यहाँ भरना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर OTP आया है 77119 8 77119 8। OTP भरने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इन्हें स्किप कर देंगे, या तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। पूछ रहा है डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट। क्या आप लेटर चाहते हैं कि आपके घर पे जो आपने डाउनलोड के लिए कहा है तो आपके घर आए कि ना आए, तो हमने यहाँ नो करना है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे डिड नॉट रिसीव का क्लिक करना है, और उसके बाद लास्ट में हमने करना है वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हमारा आधार कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये हमारा आधार कार्ड ऊपर देख रहे हैं आप कि डाउनलोड होना शुरू हो गया है। शुरू होने के बाद ये ओपन होगा। अब देख रहे हैं आधार कार्ड डाउनलोड हो गया, उसे ओपन करने के लिए पासवर्ड कह रहा है, तो पासवर्ड के लिए आपने अपने नाम के 4 अक्षर पहले बड़े अक्षर में डालना है, मतलब इसमें आपने कैपिटल लेटर में डालना है। और आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सन है, मान लो 1990 है, 1995 है, कुछ भी है, तो सन डालना है। तो नाम का पहले 4 अक्षर बड़े अक्षर में और डेट ऑफ बर्थ का सन पूरा डालना है। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ, और ये ओपन हो गया। अब आपके सामने मेरा आधार कार्ड आ चुका है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कि आधार कार्ड हम घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, इसे हम मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम शेयर कर सकते हैं, इसे किसी को हम भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं हम अपने प्रोफेशनल ID पे किसी पे। तो आप यहाँ पे क्लिक कर, जैसे कि आपने देखा ऊपर क्लिक किया मैंने, दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये शेयर का बना हुआ है, तो
क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो नीचे देखें शेयर एज अटैचमेंट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पीडीएफ फाइल के लिए ऑप्शन आएगा, इस पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक शेयर करने के लिए ऑप्शन आ गई हैं। तो आप कौन कौन से थ्रू आप फाइल अपनी शेयर कर सकते हैं, तो इसमें आप ईमेल के रास्ते से भी और जीमेल, व्हाट्सएप, आउटलुक, मतलब इन सब के ज़रिए आप किसी को अपना व्हाट्सएप से या और भी किसी चीज़ से आप इसे सेंड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और थैंक यू।